पनीर की कई सारे डिशेस को अक्सर हम रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करके ही खाते हैं, लेकिन ऐसी ही टेस्टी वाले डिश अगर घर पर ही आसानी से बन जाए तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। रेस्टोरेंट पर ये डिश काफी फेमस है, लेकिन आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे, वो भी एकदम रेस्टोरेंट वाली स्टाइल में। मगर इसमें हम कोई भी केमिकल या प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं करेंगे, जो रेस्टोरेंट वाले अक्सर करते हैं। बस घर के नॉर्मल मसालों से एकदम स्मूथ टेस्टी पनीर लबाबदार बनाएंगे, जो खाने में और देखने में रेस्टोरेंट से भी अच्छी होगी। और इसे बनाना इतना आसान है कि आपके पास जब टाइम कम हो तो झट से इसे बनाकर रोटी या चावल के साथ परोस सकोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो सबसे पहले इस पैन में लेंगे करीबन 2 बड़ी चम्मच तेल और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। अब पैन में डालेंगे 2 हरी इलायची जिसे मैंने तोड़ के डाली है, नहीं तो ये फूटने लगेगा, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी और 2 साबुत सूखी लाल मिर्च। अब एक बार इसे चला लेंगे ताकि इसका फ्लेवर तेल में आ जाए। अब डालेंगे 1 कप स्लाइस में कटी हुई प्याज, 1 इंच अदरक जिसे मैंने ऐसे टुकड़ों में काट ली है, 7 से 8 लहसुन की कलियां, 1 कप कटी हुई टमाटर, 7 से 8 काजू, 1 बड़ी चम्मच खरबूजे के बीज और 1 छोटी चम्मच नमक। अब इन सारी चीजों को हम मीडियम फ्लेम पर कुछ देर के लिए चलाएंगे, जब तक ये प्याज और टमाटर थोड़ा सा नरम ना हो जाए। ये देखिए सारे चीजें भुन चुका है और प्याज और टमाटर हल्का सा नरम भी हो चुका है। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और फ्लेम को लो करके करीबन 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही पकने देंगे। इसे टमाटर पूरी तरह से गल जाएगा और सारी चीजें अच्छे से कुक भी हो जाएगा। अब ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल चुका है। तो अब इसे फिर से ढक देंगे और फ्लेम को इस बार बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए। मसाला हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसे इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। इसमें पानी डालने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, ये ऐसे ही स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट हमारा बन चुका है, ये देखिए बिना पानी के भी मसाला का पेस्ट कितने स्मूथ बना है। इसे बनाकर आप ऐसे ही अगर फ्रिज में रख देंगे तो ये 5 से 7 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन दिनों में कभी भी आप पेस्ट को फ्रिज से निकाल के फटाफट पनीर लबाबदार बना सकते हैं। तो आप इस पैन में लेंगे और 1 बड़ी चम्मच तेल और साथ में डालेंगे 2 बड़ी चम्मच मक्खन। मक्खन को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच साबुत जीरा और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 सेकंड के लिए जीरा को भून लेंगे। अब इसमें जो पेस्ट हमने बना के रखी थी वो सारे के सारे डाल देंगे। और इसे एक बार चला लेंगे ताकि पेस्ट मक्खन के साथ अच्छे से मिल जाए। जब भी आप पनीर लबाबदार बनाएंगे तो पहले प्याज टमाटर को ऐसे भूनकर पेस्ट बनाकर ही बनाना। इसे आपका मेहनत भी कम होगा, आपका टाइम भी बचेगा और सबसे बड़ी बात लबाबदार की टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही होगा, क्योंकि ऐसे पेस्ट बनाने से ग्रेवी में जो स्मूथनेस आएगा वो दूसरे कोई भी प्रोसेस में आपको नहीं मिलेगा। अब फ्लेम को लो करेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब फिर से फ्लेम को मीडियम करेंगे और इन सारे चीजों को मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से भून लेंगे। नमक मैंने पेस्ट में भी डाली थी, तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को डालना और मसाला डालते वक्त आप भी फ्लेम को लो कर लेना, इससे आपका पेस्ट जलेगा नहीं। अब करीबन 1/2 कप पानी से इस मिक्सी के जार को धो के इसे भी इस पेस्ट में डाल देंगे, इससे हमारी बची कुची पेस्ट भी वेस्ट नहीं होगी। अब इसे भी अच्छे से थोड़ी देर चला लेंगे। अगर आप लबाबदार में ग्रेवी थोड़ा ज्यादा रखना चाहते हो तो पानी इसमें और थोड़ा सा आप मिला सकते हैं। अब इसे ढक्कन से ढक देंगे और फ्लेम को लो करके करीबन 5 मिनट इसे ऐसे ही ढक के पकाएंगे।
अब ढक्कन को हटाएंगे और ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर ऑलमोस्ट आ चुका है। अच्छा, अब इसमें करीबन 50 ग्राम पनीर को ऐसे ग्रेट करके डालेंगे। लवाबदार की यही खासियत है कि इसमें आप जब सिर्फ ग्रेवी को खाएंगे तब भी इसमें आपको पनीर का टेस्ट मिलेगा। और यहाँ पे मैंने करीबन 200 ग्राम पनीर को ऐसे क्यूब्स में भी काट ली है। अब इन सारे पनीर के क्यूब्स को भी इस ग्रेवी में डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही एक बार इसे हल्के से हम मिला देंगे। पनीर डालने के बाद आप ऐसे हल्के हाथों से ही ग्रेवी को चलाना, नहीं तो पनीर टूट भी सकता है। अब इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 2 बड़ी चम्मच शहद और 4 बड़ी चम्मच फ्रेश क्रीम। अब लो फ्लेम पर ही बीच बीच में चलाते हुए करीबन 5 मिनट इन्हें और पकाएंगे। इससे पनीर थोड़ा सा सॉफ्ट भी होगा और सारे चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल भी जाएगा, तो लबाबदार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखिए करीबन 5 मिनट में ही इसका लुक्स कितना चेंज हो चुका है और खुशबू भी इसमें से काफी अच्छी आ रही है। अब लास्ट में इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो रेस्टोरेंट जैसी पनीर लबाबदार हमारा बन चुका है। अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और कोई भी आपकी सजेशन या फीडबैक या ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना और ये भी बताना आपको कैसी रेसिपी देखना ज्यादा पसंद है, तो मैं ट्राई करूंगी वही रेसिपी को आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इजी प्रोसेस में शेयर करने की। तो चलिए मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। नमस्कार।